क्या हुआ, कितनी जल्दी आ गए? थोड़ा माल छुपा के रखा था, उसे ही ढूंढ रहा हूं। ये लो, ये रहा। इधर ला। क्या बात है, तुम कितनी अच्छी हो। पता है, सुबह से मैं इसे ढूंढ रहा था। टेंशन में कहां रख दिया था पता ही नहीं। ये जय भी सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। वो नहीं है तो एक काम नहीं होता है। कौन जय? वही वो दुबला सा लड़का जो अभी अभी लगा है। उसे अगर कोई भी माल दे दो तो भरोसा रहता है। लेकिन ये सब यहाँ क्यों लेकर आते हो? पुलिस वालों की वजह से। ये विनोद को कोई काम बोलो तो सुनता है क्या? एकदम काम चोर। तू उसे बहुत प्यार करती है क्या? अरे ए, मुझे कहीं लेकर चला जा। अगले 3 दिनों में हम जा रहे हैं, तैयार रहना। कहाँ? कहीं भी, कोई हमें ढूंढ ना सके ऐसी जगह। लेकिन कहाँ? वो मत पूछ, बस तू मेरे साथ चल, सब हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लॉटरी लगी है क्या? बता, 2 दिन के बाद क्या है? भूल गया, मेरा जन्मदिन है। मालूम है यार, जन्मदिन में कहीं चलोगी? कहीं भी लेकर जा, कहीं पर भी। ए, क्या हुआ? एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हुआ क्या? कुछ मत बोलो, अभी पुलिस कभी भी आ सकती है। तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं बता? हाँ चलूंगी ना। मैं 1 घंटे में कुछ पैसे लेकर आता हूँ, तुम तैयार? अरे रुक, लेकिन हुआ क्या है बता तो सही। कुछ परेशानी है, बाद में बताता हूँ। ये यहां क्यों आया था बता? ये यहां क्यों आया था? तुम कब आए? अभी आया, बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए नहाने आया हूं। तो फिर उसने जो कुछ भी कहा तुमने सुना नहीं क्या? नहीं सुना। तो वो क्या बोल रहा था बताओ? बोलो ना, क्या हुआ? हाँ कौन? पुलिस? मैं अभी आता हूं। राजेश लेकर आया ये वही नेकलेस है ना? मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करना बोला था ना मैंने? हाँ, मैंने उसे बोला था। अब तुम लोगों के भरोसे कुछ नहीं कर सकता मैं, सारा पैसा मैं ही रख लेता। उसको फोन तो लगा, उससे पूछ वो सेफ है या नहीं है, कहाँ है वो? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, वो इस वक्त स्विच ऑफ है। जल्दी आएगा ऐसा बोला था उसने। मैं चाय पी कर रहा था। चाय सर? चाय क्यों, जहर पीना जहर? जा।
इतना हाफ क्यों रहा है और ये पसीने क्यों आ रहे हैं तुझे? कोई परेशानी हो गई है क्या? बोल ना। नहीं मूर्ति, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं है। तू जो पैसे लेके गया था उस बारे में पूछ रहा हूँ मैं। पैसे लेकर गया था सोना खरीदने, वहां पर पुलिस आ गए। तेरी तो हजार बार समझाया था लेकिन तूने कुछ नहीं सुना बेवकूफ। नहीं नहीं मूर्ति, नहीं नहीं मुझे मत मारो। मूर्ति 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 नहीं 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 मूर्ति 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 नहीं नहीं मूर्ति। तुझे हर बार एक ही बात बोली थी ना कि जब तक पुलिस शांत नहीं हो जाती तो कुछ नहीं करेगा। ले, अब क्या सिचुएशन है? पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी। मरवाएगा ये। थोड़े दिन बाहर मत निकलना, मैं किसी दूसरे रूम का इंतजाम करता हूँ। नहीं मूर्ति, मैंने कुछ और सोचा है। मैं यहां से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। पागल हो गया क्या तू? सिर्फ 50,000 रुपए लेके बाहर गया था तो पुलिस पीछे पड़ गई तेरे? सीरियल नंबर से ट्रैक करना आसान होगा और तू 40 लाख मांग रहा है? तेरे चक्कर में हम दोनों भी फंस जाएंगे। आगे क्या हो सकता है इस बात का अंदाजा है? तू तो उनकी नजर में आ गया पर हम दोनों बचे हुए, हमारा तो सोच। मैं उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में हूं। मुझे जाना है यहां से, बस मुझे पैसे दे दो। इससे बड़ी प्रॉब्लम और क्या हो सकती है? कुछ बताएगा, बकवास करेगा? वो सब मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। हमारी डीलिंग सिर्फ पैसों के लिए है, पर्सनल लाइफ में नहीं। देखो मूर्ति भाई, मुझे पैसे दे दो, मैं जाऊं यहां से। पैसों के लिए मना कब कर रहा हूं, पर बात को तो समझ। कादिर कहां है? वो चाय पीने गए। डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया तो अभी नाम नहीं बताऊंगा। और ये कादिर जो है ना, सब कुछ बकतेगा, तुम इसकी वजह से ही फंसोगी मूर्ति। इधर देख, इन सब पे सीरियल नंबर हैं, इन्हें बदलना होगा, छुट्टा कराना होगा, वो भी बिना किसी को शक हुए। उसके बाद ही हम इसे खर्च कर सकते हैं। ये समझता क्यों नहीं है? मुझे इमरजेंसी है मूर्ति, मेरे खर्चे बहुत हैं। hey, मैं क्या हवा पानी पे जिंदा हूं? इतना पैसा हमारे सामने रखा है, ये हमारा ये, इस बात को तू समझता क्यों नहीं है? और मेरी प्रॉब्लम के बारे में जानता ही क्या है तू? नहीं नहीं, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। थोड़े टाइम रुक जा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है मूर्ति। इतनी जल्दी क्या हो सकता है? ठीक है, तू मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त तो दे, मैं बदल करके देता हूं। कल सुबह 6 बजे मेरा शेयर 40 लाख तैयार रहना चाहिए। 39,50,000 मिलेंगे। अपना ही लड़का है, थोड़े दिन पहले ही गैंग में आया है, बहुत जबरदस्त लड़का है। तो उसके बारे में सब कुछ जानते हो तुम? सर, छोटे भाई जैसा है, एक ही थाली में खाते हैं। भास्कर, जरा सोच समझ के जवाब दे। ए भास्कर, बहुत बड़ा आदमी हो गया आजकल, है जहां नहीं होना चाहिए वहां भी तेरे हाथ हैं। अब मेरा तो उम्र हो गया है सर, अपने लड़के इधर उधर हाथ साफ कर लेते हैं, मैंने उन्हें फ्री छोड़ दिया है। बस कर भास्कर, जेब काटता था तब से जानता हूं तुझे। वो सब छोड़ दिया सर, अब एक डिसेंट लाइफ जीता हूं। मैंने शादी भी कर ली है सर, मेरी एक वाइफ है, फैमिली मैन भास्कर। ये देखिए, तू गलत कर रहा है। देखो मूर्ति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में आ रहा है, बैग रख नीचे, चल छोड़। Ah!
नहीं बात सर के ऊपर निकल गई है, मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मुझे मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ए, जय अच्छे से रहना। हाँ। क्यों रे तू सारा पैसा लेके जा रहा है? मैं सच कह रहा हूं सर, वो बैंक लूटने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं सर। वो यहां पर कब आएगा? मालूम नहीं सर, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, वो तो मेरे घर भी आया था, मुझे देखते ही वहां से भाग गया। आप दोनों आए शायद ये बताने के लिए आया हो। सुनो वो सीसीटीवी फुटेज इसे दिखाओ। अरे बाप रे सर, ये देखने में तो कितना शरीफ लगता है सर। ये नेकलेस तो मेरे घर में था सर, मां के हाथ में देखा था सर। ये मां कौन है? मेरी बीवी है सर। ये एक ही थाली में खाने की बात अब जाने दो, वो आए तो शराफत से इन्फॉर्म कर देना मुझे। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लगी है। मर भी जाता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बारे में इंक्वायरी की, मैंने तुम्हें बताया था ना, तू अपनी तनख्वाह में से आधा पैसा वार्डन मनी को भेज देता है। तभी मुझे यकीन हो गया तुम गलत इंसान नहीं हो सकते। सत्या, मैंने सुना कि तुम्हें चोट लगी है, तुम ठीक तो हो ना? ए सत्या, तुम चाहो तो वहां साइड में जाकर बात कर लो। सॉरी बेटी, हम में डिसेंसी नहीं होती है, ऐसा मत सोचना। सॉरी, एज यू कैन सी आई कांट वॉक। सत्या जा। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? मैं बहुत डर गई थी सत्या। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है ना, तो फिर पुलिस का काम क्यों कर रहे हो? आ,
आपके पति की डेड बॉडी कब मिलने वाली है? Hey, रोना बंद कर। मेरा हाथ ठीक रहता तो मार कर तेरी कनपट्टी फोड़ देता। आपको ढूंढने के लिए गया था। इसे इज्जत क्या दे रहा है तू? तुम्हें ढूंढते हुए वो पैसों के साथ ही वापस आएगा, तो तुम हमें इन्फॉर्म कर देना। ए देख, 5-6 साल उसे जेल में रहकर आने दे। आने के बाद तुम दोनों आराम से रहना। अभी तो तेरा मर्द भी नहीं है ना। क्या बच्चे की तरह चैं 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 करके रो रही है? आएगा तो उसे भेज देना। वैसे भी जाएगा कहाँ?